डीआरडीओ से अधिकारी हमारे साथ में हैं देवेंद्र शर्मा जी। सर मैं जानना चाहता हूं किस तरह से पूरा ये प्लांट काम कर रहा है। देखिए बेसिकली ये जो इस प्लांट में एक कंप्रेसर होता है जिससे कि हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं। अब आपको बताया कि एयर में 79% जो मात्रा में नाइट्रोजन होता है और 20% में ऑक्सीजन होता है। फिर उसके बाद ये जो एयर है ये हमारे दो टावर होते हैं इसमें, जिसमें कि मॉलिक्यूल शेप होती है जियोलाइट मटेरियल की। उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए इसको प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक बोला जाता है। तो उसमें फिर हम उन टावर के थ्रू जो मॉलिक्यूल शेप के थ्रू हम नाइट्रोजन को सेपरेट कर देते हैं और ऑक्सीजन को फिर हम अपने ऑक्सीजन टैंक में स्टोर करके डायरेक्ट हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं। लगभग क्या कैपेसिटी क्या है इसकी? ये जो है 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जिस तरह से डीआरडीओ लगातार देश में इस तरह के प्रयास को कर रही है जिससे कि देश भर में ऑक्सीजन और खास तौर पर अस्पताल के अंदर इस तरह की जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है पूर्ण तौर पर मिल सके।